हे गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग दोस्तों इंडसइंड बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ एक दो मिनट की वीडियो है, इसलिए अंत तक देखते रहना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड में दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर चले जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ऑल बैंक स्विफ्ट कोड, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है वेबसाइट की, वहाँ से आप सीधे जाकर एंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दूसरी वाली जो वेबसाइट दिख रही है स्विफ्ट कोड फॉर बैंक इन इंडिया, ये वाली जो वेबसाइट है उसके अंदर आपको चले जाना है। स्विफ्ट कोड फॉर बैंक्स इन इंडिया, ये वाली वेबसाइट के अंदर आपको चले जाना है। अंदर जाओगे तो इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको 11वें नंबर पर मिलेगा इंडसइंड बैंक, ये आपको देखने को मिलेगा इंडसइंड बैंक 11वें नंबर पर। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीड टू फाइंड आर डिफरेंट स्विफ्ट कोड, के नीचे देखना सिलेक्ट कंट्री का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इंडिया डालना होगा, इंडिया यहाँ पर डाल देना आप लोग। इसके बाद सिलेक्ट बैंक का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इंडसइंड डाल देना है, इंडसइंड बैंक लिमिटेड ये आपको डालना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये डाल देना। इसके बाद सिलेक्ट सिटी का ऑप्शन आएगा, सो आपको जो भी ब्रांच का पता करना है, जैसे कि मुझे दिल्ली का पता करना है तो मैं यहाँ पर दिल्ली टाइप कर देता हूँ। सो जैसे ही दिल्ली टाइप करते हैं तो यहाँ पर दिल्ली का स्विफ्ट कोड यहाँ पर नज़र आ जाता है। तो गाइस इस तरह से आप लोग किसी भी ब्रांच का, इंडसइंड बैंक की किसी भी ब्रांच का स्विफ्ट कोड दोस्तों पता कर सकते हैं।